नमस्कार मित्रों, केम छो। आज हम बात करने वाले हैं बाइनरी लैंग्वेज के बारे में। हालांकि आपने नाम सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो में, मेरा जो एक वीडियो है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को यूज करता है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो बाइनरी लैंग्वेज को यूज करता है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले कि जो बाइनरी लैंग्वेज वो एग्जैक्टली होती क्या है, हम उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर डेसिमल को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। इन शॉर्ट, हम बाइनरी लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, हम ये सब चीज के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है कृतिक, आप देख रहे हैं टेक्निकल मोटा भाई। हेलो, चालू करिए। मित्रों, बाइनरी लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि बिट जो होती है वो क्या होती है। तो हालांकि मैंने मेरे एक वीडियो का हाउ कंप्यूटर वर्क्स, उसमें मैंने आपको बताया था कि बिट जो है वो हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज है। मतलब बिट जो है वो हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है वो ट्रांजिस्टर को यूज करता था। हालांकि ट्रांजिस्टर के पहले हम वैक्यूम ट्यूब्स को यूज करते थे, लेकिन अभी फिलहाल हम जो है वो ट्रांजिस्टर्स को यूज करते हैं। तो ट्रांजिस्टर जो है वो या तो पावर को स्टोर कर सकता है या तो स्टोर नहीं कर सकता, मतलब या तो ऑन या तो ऑफ। ये ऐसा ही होता है जैसे हमारी पावर ऑन ऑफ स्विच होती है। तो स्विच में भी क्या होता है, या तो ऑन रहती है या तो ऑफ रहती है, मतलब या तो जीरो या तो वन। तो ये होता है बाइनरी डिजिट्स। अभी बाइनरी डिजिट्स को शॉर्ट फॉर्म में हम बिट भी बोल सकते हैं। तो ये जो बिट होती है वो होती है हमारे कंप्यूटर की लैंग्वेज। लेकिन अभी समझ लो कि अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको अगर आपके फ्रेंड के पास से कोई एक मूवी है या फिर कोई एक सॉफ्टवेयर या फिर कोई एक फाइल चाहिए, तो आप उससे पूछोगे कि भाई ये जो फाइल है उसकी साइज कितनी है। तो अभी जस्ट खाली इमेजिन करो कि अगर आपका फ्रेंड जो है वो आपको बताता है कि ये फाइल की साइज है कुछ 1,000 crore 11 lakh 10,110। तो ये कंफ्यूजिंग नहीं होगा। तो इसीलिए हमने बिट जो है उसे शॉर्ट बनाने के लिए हमने बाइट को इन्वेंट किया। अभी बाइट जो होती है वो होती है 8 bit का एक कॉम्बिनेशन, मतलब 1 byte = 8 bits। तो लेकिन इसमें भी इशू होने लगे। अभी समझ लो अगर आप कोई एक बड़ी फाइल है जो बाइट्स में बहुत बड़ी होती है, अगर आप कोई अपने फ्रेंड को पूछोगे और वैसे ही सेम जवाब आपको मिलेगा तो आपको वो भी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसीलिए बाइट के ऊपर हमने फिर इन्वेंट किया किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट्स। तो ये सब वैसे चलते रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि बिट मतलब 1 byte होता है, फिर 1024 byte मतलब 1 kilobyte होता है, फिर 1024 kilobyte मतलब 1 megabyte होता है, और वैसे ही वो चलते रहता है। तो अभी आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि ये जो बिट और ये जो बाइट होती है वो एग्जैक्टली होती क्या है। तो अभी हम बात करते हैं कि ये जो बाइनरी लैंग्वेज है उसे हम कैसे यूज करें या फिर उसे हम कैसे क्रिएट करें। तो उसके लिए अभी आपको और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। समझ लो कि हमारा ये जो नंबरिंग सिस्टम है, मतलब हम जो अभी तक 0 से लेकर 9 तक का जो नंबर है जो हम अभी तक सीखते आए हैं वो होता है base 10 पे। base 10 मतलब समझ लो हमने एक नंबर लिखा, समझ लो कि 9,99,999। तो इसमें जो लास्ट 9 होता है वो होता है टेंस, फिर उसके बाद का जो 9 है वो उसे हम कहते हैं हंड्रेड्स, फिर उसके बाद जो होता है उसे हम कहते हैं थाउजेंड। तो वैसे ही वो चलते रहता है। मतलब वो जो नंबर होता है 9, उसके बेस पे हम 10 लगाते हैं, इसीलिए वो टेंस नंबर सिस्टम हो गया। मतलब वो जो नंबरिंग सिस्टम है जो अभी हम यूज करते हैं उसे हम डेसिमल कहते हैं, जो base 10 पे काम करता है। तो वैसे ही बाइनरी नंबर जो होता है वो होता है base 2 पे काम करता है, हालांकि उसका नाम भी वैसा ही है, बाइनरी मतलब 2। तो ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम्स होती है वो base 2 पे काम करती है। तो इसका मतलब हम इसमें 2 ही नंबर यूज कर सकते हैं, या तो 0 या तो 1। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हम 0 और 1 से पूरा बड़ा नंबर कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम जैसे डेसिमल में हम टेंस का फॉर्म यूज करते थे, वैसे ही हम इसमें 2s का फॉर्म यूज करेंगे। तो अभी अगर समझ लो कि हमें कोई एक डेसिमल को हमारे बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे base 2 के टेबल को, क्योंकि बाइनरी जो base 2 को यूज करता है। तो अगर base 2 की बात करें तो हमें इसका जो टेबल है वो कुछ ऐसा फॉर्म मिलेगा 0, 2, 4, 8। तो अभी समझ लो कि हमने 2 को बाइनरी इक्वल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो 2 रहेगा जहाँ पे भी हमें 2 मिलता है हमारे टेबल के अंदर, उधर हम 1 लिख देंगे और फिर उसके बाद जो है वो हम 0 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा 2 का इक्विवेलेंट। तो वैसे ही अगर हम बाइनरी टेबल की बात करें तो उसमें जो है वो बिट्स के हिसाब से हम उसमें जो है बाइनरी इक्विवेलेंट बना सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल समझ लो, अगर हमें 4 bit का अगर कोई कोड बनाना है तो हम लिखेंगे 0, 2, 4, यहाँ तक ही होगा हमारा बाइनरी टेबल। और वैसे ही अगर हमें 8 bit का जो है वो कोड बनाना है तो हम लिखेंगे 0, 2, 4, 8, यहाँ तक हमारा टेबल होगा। तो वैसे ही 128 बिट का अगर हमें कोई भी कोड बनाना है तो हम 128 तक लिखेंगे। तो अभी अगर इसमें समझ लो कि हमें अगर कोई बड़े नंबर को हमारे बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, जो 128 बिट का हमें उसका आउटपुट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 128 बिट तक हम उसे लिख देंगे। तो अभी समझ लो फॉर एग्जांपल हमें 10 का जो है, मतलब
टेन डेसिमल जो नंबर है टेन उसका हमें बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम इसमें पूरे जो 128 से लेके 0 तक का जो टेबल है हम उसमें पूरे में सर्च करेंगे कि 10 जो है वो किस में फिट हो सकता है। तो जैसे ही हम 128 पे आएंगे तो उधर तो 10 फिट नहीं होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर है और 10 से भी आगे बढ़ जाता है वो, तो उधर हम लिखेंगे 0। फिर उसके नीचे आएंगे तो उधर भी हम 0 लिखेंगे, फिर उसके नीचे आएंगे तो उधर भी हम 0 लिखेंगे। तो जैसे ही हम 8 तक पहुंचेंगे तो 10 जो है वो 8 से बड़ा है तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब 8 की जगह पे हम लिखेंगे 1 और फिर हमारे पास बच गए 2, मतलब 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 मिलता है। तो उसके नीचे हम जाएंगे 4, तो 4 तो 2 से बड़ा है तो उधर भी हम 0 लिखेंगे। फिर उसके नीचे हम जाएंगे तो वहाँ पे हमको मिलेगा 2, तो 2 के ऊपर हम वापस लिखेंगे 1 और फिर उसके नीचे 0 पे 0 क्योंकि हमारे पास अभी कुछ बचा नहीं है। तो ये जो है वो होता है हमारे 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट। ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो अभी चलो हम और एक एग्जांपल लेते हैं। ये बार हम कन्वर्ट करने वाले हैं 255 को हमारे बाइनरी नंबर में। तो इसका जो है वो हमें बाइनरी नंबर जो है वो मिलेगा ये, मतलब हमने इसमें सारी की सारी बिट को यूज़ कर लिया। तो अभी आप समझ गए होंगे कि 128 बिट का जो हाईएस्ट नंबर होता है वो होता है 255। हालांकि 256 को अगर हमें यूज़ करना है तो हमें हमारे बाइनरी टेबल जो है उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बाइनरी नंबर जो है उसे कैसे फॉर्म करते हैं या फिर उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर आपको कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही सब टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करते रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, आओ जो